हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास वन के लिए मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में जो फर्स्ट चैप्टर रहता है बच्चों को, वो नंबर्स से रिलेटेड रहता है। इसमें बच्चों को अप टू 200 तक के नंबर्स सिखाए जाते हैं। जब 200 तक के नंबर्स बच्चों को सिखा दिए जाएंगे, उसके बाद में उसी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों को करवाए जाते हैं, जैसे कि आफ्टर बिफोर करवाएंगे, इन बिटवीन जो होता है वो करवाएंगे, नंबर नेम 200 तक के नंबर्स का सिखाएंगे, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये चीजें सिखाई जाती है बच्चों को। प्लेस वैल्यू जो कि पोजीशन बताता है नंबर की, और फेस वैल्यू जो कि उसकी फेस की वैल्यू होती है, यानी वो जैसा दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू। कंपैरिजन ऑफ नंबर सिखाया जाता है इसमें, जैसे कि कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीजें इसमें सिखाई जाती है। फिर फॉर्मिंग नंबर डिजिट्स दे दिए जाएंगे, 2 या 3 डिजिट्स, और उससे बच्चों को स्मॉलेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फॉर्म करना होता है, विथ रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इन्हीं नंबर से रिलेटेड रहेंगे। जैसे 200 तक के नंबर्स बच्चों को सिखाए तो उसी से रिलेटेड असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा एडिशन का। इसमें बच्चों को कॉलम एडिशन सिखाया जाता है, साथ में ही ऑर्डर प्रॉपर्टी बताई जाती है। मान लीजिए एक नंबर है 5 और एक नंबर है 2, तो 5 प्लस अगर हम 2 करते हैं तो आंसर आएगा 7, और अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं यानी 2 प्लस 5 करूं तो भी आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा। 0 इन एडिशन, जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर हमारा सेम रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। एडिशन ऑफ 3 नंबर्स का एडिशन जो होता है, यानी जो सिंपल एडिशन होता है वो सिखाया जाता है, विदाउट कैरिंग वाला। फिर इसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं। एडिशन का एक और चैप्टर होता है जिसमें कि बच्चों एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग और विदाउट कैरिंग, यानी विदाउट कैरिंग वाले जो एडिशन होंगे वो यहां सिखाए जाएंगे। इसमें डिफरेंट जो मेथड्स होती है वो करवाई जाती है, जैसे कि एडिशन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा। जैसे 21 है, इसको पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, 13 है उससे पहले हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर इन्हें प्लस करेंगे। जैसे 2 10 + 1 10, 2 + 1 हो जाएगा 3 10s, और 1 1 और 3 1s हो जाएंगे 4 1s। तो इस तरीके से जो एक मेथड होती है वो बच्चों को सिखाई जाती है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और सिखाया जाता है, रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1s to 10s। अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक देखेंगे तो वो थोड़ी सिंपल रहती है, यानी उसमें ये जो चीज होगी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन अगर CBSE या ICSE बोर्ड में आपका बच्चा है तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें क्या होगा कि वंस को टेंस में चेंज करना बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 1 10 + 10 1s, ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, 10 1s = हो जाता है 110, तो 110 + 110 कितने हो जाएंगे, 2 10s हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, 5 10s है प्लस 24 1s है, तो 5 10s + 24 1s को हम क्या लिख सकते हैं, 2 10s + 4 1s लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये 5 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 7 10s + 4 1s। फिर इस चैप्टर में भी जो है बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर इसके बाद चैप्टर रहेगा सब्ट्रैक्शन का, जिसमें कॉलम सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है। फिर मोर अबाउट सब्ट्रैक्शन भी एक इसमें चैप्टर रहेगा, जैसे कि इसमें एडिशन में कुछ चीजें सिखाई गई थी वैसे ही सब्ट्रैक्शन का एक और चैप्टर रहेगा। इसमें भी कुछ और नई चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि पहला तो सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग और विदाउट बोरोइंग वाला ही रहेगा। फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसा हमने एडिशन वाले चैप्टर में देखा वैसे ही सेम, पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। जैसे पहले बच्चों ने सिर्फ एडिशन या सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया है, अब मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही साइन है तो किस तरह बच्चे करेंगे ये सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे 12 + 5 - 6 है, तो 12 और 5 को पहले प्लस करेंगे आएगा 17, फिर -6 करेंगे तो आएगा 11। फिर इसमें भी रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10s to 1s रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 10s + 7 1s है, अब यहाँ पे 10s को हम चेंज करेंगे 1s में, तो हम इससे अगर 1 10 बाहर निकाल ले यानी माइनस कर ले तो यहाँ पर बचेगा 2 10s + 1 10 + 7 1s, और इस 1 10 को हम चेंज करेंगे 1s में तो ये हो जाएगा 10 1s। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 10s + 17, यानी ये 10 और ये 7 मिलके बन जाएंगे 17 1s। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहती है। लास्ट में कुछ मिक्स क्वेश्चन रहता है जिससे कि बच्चों को खुद समझना होता है कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है।
फिर चैप्टर रहेगा ज्योमेट्री का, जिसमें कि बच्चों को प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स दिखाए जाते हैं। प्लेन शेप्स डिटेल्स में सिखाया जाता है, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, जो कि 2D शेप्स कहलाते हैं, उनके कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ये चीजें जो है डिटेल में बच्चों को समझाई जाती हैं। और सॉलिड शेप्स के सिर्फ एग्जांपल्स बच्चों को बताए जाते हैं कि क्यूब यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को वो किस तरह पहचानेंगे कि वो कौन से शेप में है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, सिलेंडर है या कोन है। फिर एक कॉन्सेप्ट रोलिंग एंड स्लाइडिंग का सिखाया जाता है, जैसे कि द ऑब्जेक्ट विद द कर्व्ड सर्फेसेस कैन रोल, यानी रोल कौन से ऑब्जेक्ट कर सकते हैं जिनका की कर्व सर्फेस हो, और स्लाइड कौन से ऑब्जेक्ट करेंगे जिनका की फ्लैट सर्फेस हो। फिर चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, इसमें बच्चों को जो लेंथ से रिलेटेड वोकैबुलरी होती है वो सिखाई जाती है, जैसे नियर, फार, अबव, बिलो, लॉन्गर, शॉर्टर एक्सेट्रा, यानी ये सारी जो भी लेंथ से रिलेटेड वोकैबुलरी होगी वो पहले बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए स्केल या जो इंच टेप होता है अगर वो नहीं है आपके पास, तो आप किस तरह से किसी चीज की लेंथ जो है उसे मेजर कर सकते हैं, तो कौन कौन सी होगी, फिंगर्स, हैंड स्पेन, क्यूबिट, पेस, फुट स्पेन, इनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया जाता है कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। फिर ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ मास या वेट होता है, इसमें भी बच्चों को पहले वोकैबुलरी होती है, जैसे कि हैवियर, लाइटर, हैवियस्ट, लाइटेस्ट, कैसे बच्चे पहचानेंगे। फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है मास की। नेक्स्ट चैप्टर होगा मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी का, जैसे कि हम लिक्विड को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे इसमें भी वोकैबुलरी होगी मोर और लेस की। मान लीजिए एक जग है और एक ग्लास है, तो जग में जो है ज्यादा पानी आता है, ग्लास में कम आता है, तो इस तरह से बच्चों को जो है समझाया जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की लीटर, इसमें 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। फिर चैप्टर रहेगा टाइम का, इसमें डेज ऑफ अ वीक यानी डेज नेम जो होते हैं वो बताया जाता है, और क्लॉक जो है बच्चों को टाइम देखना, सिंपल जो टाइम होता है वो देखना बताया जाता है, किस तरह बच्चे उसे रीड करेंगे टाइम को वो बताते हैं, प्लस बच्चों को क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्लॉक बनाने के लिए भी आती है, यानी टाइम दे दिया जाएगा और बच्चों को उसमें क्लॉक बनानी है। तो ये जो चैप्टर है ये टाइम से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है डाटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इज हेल्पफुल टू अदर्स। मान लीजिए बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उससे रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चों को उसका रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखने के बाद में उसके उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना होता है। फिर चैप्टर रहेगा पैटर्न का, इसमें सिंपल जो पैटर्न होता है वो बच्चों को दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, उसके बाद में सर्कल है, सर्कल के बाद फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, तो सर्कल के बाद फिर क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा और फिर आएगा सर्कल। पैटर्न में अल्फाबेट नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है यानी पैटर्न जो है वो दिए जाते हैं, यानी थोड़े जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे वो पैटर्न भी बच्चों को ICSE और CBSE बोर्ड में सिखाए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।